दीनानगर का दयानंद मठ क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जहां बनी दयानंद मठ फार्मेसी अपनी देसी दवाओं से स्थायी इलाज करने के लिए प्रसिद्ध है। नित्य हवन यज्ञ होने वाले इस मठ के अंदर स्वामी सर्वानंद गुरुकुल भी स्थापित है। इसके अलावा क्षेत्र भर में मठ द्वारा स्थापित प्लेवे स्कूल से लेकर कॉलेज तक जैसे शिक्षक संस्थान बनवाए गए हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है दयानंद मठ दीनानगर के प्रमुख अध्यक्ष स्वामी संदानंद जी महाराज तथा फार्मेसी प्रमुख डॉक्टर बलविंदर शास्त्री का कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में। मनुचरीम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता गंता जानता संगमे मही ओम शांति शांति ओम। इलाका निवासियों, आज मेरे देश के अंदर कोरोना नाम की महामारी का प्रभाव हो रहा है, बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहला काम है कि हम सरकार के बनाए हुए नियमों पर, उनके बताए हुए निर्देशों पर चलें और कोरोना जो महामारी फैली हुई है वो याद दिलाती है हमें अपनी प्राचीन पद्धति, हमारी रहन सहन पद्धति पहले कैसे थी, उसी पद्धति के अनुसार कोई चलता है तो ये कोरोना बीमारी हमारे देशवासियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तो आओ हम विचार करें कि इसकी रोकथाम का क्या तरीका है। इसकी रोकथाम का तरीका, सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि हम अपने आप को स्ट्रोंग बनाएं। यदि हम अपने आप को स्ट्रोंग बना लेंगे तो बीमारी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। हम स्ट्रोंग कैसे बने, और स्ट्रोंग बनने का तरीका ये है कि हम बहुत आनंद में रहें, खुश रहें, हमें कोई चिंता ना हो कि कोरोना नाम का एक राक्षस आ गया है और उसकी रोकथाम करने के लिए क्या करें। तो सबसे पहला हमारे आयुर्वेद ने बताया है कि अपने आप को खुश रखो, आनंद में रहो और घरों के अंदर रहो, मुंह को ढक कर के रखो और अपने आप को खान पान बढ़िया बनाओ। रोटी खाने से पहले हमारी परंपरा थी, हाथ मुंह धोते थे, पैर धोते थे, फिर भोजन करते थे, भोजन के बाद फिर हाथ धोते थे। जो कोई यार दोस्त मित्र मिलता था उसको हाथ जोड़ करके नमस्कार किया करते थे, नमस्ते किया करते थे। उसी प्रकार यदि हम करेंगे तो कोरोना बहुत जल्दी यहाँ से दौड़ जाएगा। तो सजनों, जैसे च्यवनप्राश है उसके खाने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा दिल और दिमाग मजबूत होता है, हमारे शरीर के अंदर जो कमी है उस कमी को दूर करता है। च्यवनप्राश खाइए, देसी चाय का प्रयोग करिए, पीने में गर्म पानी का प्रयोग करिए और नित्य प्रतिदिन योगा करिए। योगा का मतलब है सैर, योगा का मतलब है अपने आप को, शरीर को दौड़ाना और शरीर के अंदर से पसीना बाहर निकलना, ये योगा करिए। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो आपका कोरोना जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसका इलाज यदि कोई है तो वो है आयुर्वेद, यानी वैदिक संस्कृति को जीवित रखना, नित्य प्रतिदिन यज्ञ करना। एक जगह पर यदि आप एक दिन हवन किया है तो एक महीने तक जहां पर यज्ञ हुआ है, जिस इलाके में यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ वाली जगह पर कोई भी विषाणु वहां पर हावी नहीं हो सकता और उस यज्ञ की सुगंध से हमारे इलाके के अंदर जो भी कीटाणु है आसपास, वो कीटाणु विषाणु जो है वो समाप्त हो जाते हैं और जो हमारे सहायक कीटाणु है वो मजबूत हो जाते हैं। तो यज्ञ की पद्धति जो है उस यज्ञ के अंदर, और विशेष करके आज इस स्थिति के अंदर जो कोरोना फैला है, यज्ञ के अंदर सामान्य सी चीजें हैं, गुड़ जरूर डालें और गूगल का प्रयोग करें और जो बड़ी हुई सामग्री है गाय का देसी घी डालें और उसकी सुगंध सब जगह फैलाएं तो कोरोना दौड़ जाएगा। तो मैं आप लोगों को ज्यादा न कहता हुआ दयानंद मठ की तरफ से मैं सब इलाका निवासियों को ये कहूंगा कि पर्यावरण शुद्ध हुआ है इस कोरोना से, और हम
हमारी प्राचीन पद्धति थी कि परिवार सारा बैठ करके इकट्ठे रोटी खाए, सुख दुख की बात करें। परमात्मा ने इस दौड़ से बचाने के लिए हमें घर के अंदर रखा है ताकि हम अपने घर में अपने परिवारों के साथ बैठ सके। घर में परिवारों के साथ बैठ करके यज्ञ करो, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का भजन करो और परमात्मा का धन्यवाद करो। मैं दयानंद मठ की तरफ से आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना हमारे जो देवत्व शक्ति हमारे पास है उस देवत्व शक्ति के सामने ये राक्षस नाम की जो कोरोना है ये ऐसे परास्त हो जाएगा जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण की इतनी बड़ी शक्ति को हिला के रख दिया। यदि आप लोग सचमुच हमारी वैदिक संस्कृति का जो प्राचीन पद्धति थी हाथ पैर धोने की, स्वस्थ रहने की, उसी परंपरा में रहोगे, यज्ञ वगैरह करोगे तो ये कोरोना आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे देश से ये कोरोना बहुत जल्दी ही दौड़ जाए और सारे के सारे हमारे जो लोग हैं देशवासी वो स्वस्थ होकर के फिर देश की तरक्की करने के लिए फिर जुटे और देश को फिर उसी बुलंदियों पर ले जाए। ये तभी हो सकेगा कि हमारी जो छोटी छोटी बातें जो सरकार ने बताई है उस सरकार की बताई हुई बातों का अमल करेंगे, उसी प्रकार नियमों को धारण करेंगे और एक दूसरे के सहायक बनेंगे तो बहुत जल्दी ये कोरोना जाएगा, मेरा देश फिर उन्नति में जाएगा। क्योंकि विश्व का एक गुरु रहा है तो विश्व का गुरु रहा है तो हम फिर इसको विश्व का गुरु बनाएंगे। तो आओ मिल करके कोरोना का मुकाबला करें, कोरोना से लड़ने की ताकत अपने अंदर लेके आए। ओम शांति 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 ओम। मैं बलविंदर शास्त्री ध्यानमठ दीनानगर से। आज हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई है जो काफ़ी देशों में विश्व स्तर पर उनका सर्वनाश कर रही है, लेकिन हमारा देश अपनी भारतीय संस्कृति और प्रकृति व्यवहार आचार व्यवहार खान पान के कारण हमारे देश में इसको कंट्रोल कर पाए। इसको कंट्रोल करने में हमारी सरकार का अहम हाथ है, अहम भूमिका है, जिसके कारण सरकार के निर्देशों के अनुसार हमारे देश की जनता उसका पालन करे और करना भी चाहिए ताकि हम अपने देश को बचा सकें। जब जब देश के ऊपर विपत्ति आई है हमारे देशवासियों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज हमारे पंजाब में भी पंजाब वासियों ने सरकार के निर्देशों का पालन करके पंजाब को कोरोना जैसी महामारी से अभी तक काफ़ी हद तक बचाया है। उसी तरह हमारे दीनानगर में डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के कार्य निरंतरता के कारण और हमारे मीडिया कर्मियों की जागरूकता के कारण आज हमारा दीनानगर और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा कोरोना जैसी महामारी से बचा हुआ है। इसी के उपलक्ष में समक्ष मैं सभी मीडिया कर्मियों का, पुलिस डिपार्टमेंट का और डॉक्टर संबंधी सभी अधिकारियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि इस महामारी से बचने के लिए हमें जागरूक कर रहे हैं। हमें भी हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने सरकार के द्वारा निर्देशों का पालन करें और आयुर्वेद के अनुसार हम अगर इसमें बचना चाहते हैं तो आयुर्वेद के च्यवनप्राश, देसी चाय, शहद का और हमारी घरेलू रसोई जो हमारे पुराने ज़माने में हमारी अपनी रसोई होती थी उसका प्रयोग करें। हमें गर्म पानी, गर्म दूध में हल्दी डालकर पीना चाहिए। च्यवनप्राश का डेली उपयोग करें। बच्चों को आपसी उससे बचाएं, एक दूसरे से निराधन दूरी बनाए रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें ताकि हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को इस चीज़ से बचा के रखें। धन्यवाद।